दोस्तों, अगर आप भी केकेआर के बहुत ही बड़े फैन हैं तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, और चेन्नई सुपर किंग्स को पसंद करते हैं तो भी वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। केकेआर को पहली सफलता शिवम मावी ने दिलाई। उन्होंने ओपनर बल्लेबाज डुप्लेसिस को 17 रन पर दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करवा दिया। अंबाती रायडू ने 30 रन बनाए और कमलेश नागरकोटी की गेंद पर शुभनम गिल के हाथों कैच आउट हो गए। दोस्तों, यहाँ पे तारीफ करनी होगी अंबाती रायडू और शेन वॉटसन की पार्टनरशिप की, जो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक बेस तैयार करती है। दोस्तों, कहीं ना कहीं 10 ओवर में 100 के आसपास चेन्नई सुपर किंग्स 2 विकेट के नुकसान पे एक अच्छी पोर्शन पे थे, लेकिन उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के जो खिलाड़ी खेलने आते हैं वो कहीं ना कहीं मिडल ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ। शेन वॉटसन 50 रन बनाकर सुनील नरेन की गेंद पर LBW आउट हो गए। टीम को चौथा झटका कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के रूप में लगा, जो 11 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें वरुण चक्रवर्ती ने बोल्ड कर दिया। स्पिनर के खिलाफ बोल्ड होते हुए महेंद्र सिंह धोनी को आप कभी देखते नहीं है, लेकिन इस मुकाबले में ऐसा हुआ भी है। बात करनी होगी पांचवें विकेट के रूप में सैम करन पवेलियम लौटे, जो 17 रन ही बना पाए। हालांकि वो विस्फोटक पारी जरूर थी, लेकिन टीम को जीत तक ले जाने के लिए काफी नहीं थी। रविंद्र जडेजा ने 21 रन बनाए और केदार जाधव ने 7 रन बनाकर ये दोनों खिलाड़ी नाबाद रहे। दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल केदार जाधव के ऊपर उठेगा, और महेंद्र सिंह धोनी ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली केदार जाधव के ऊपर ही टारगेट किया है। महेंद्र सिंह धोनी ने हार के बाद ऑब्वियसली बात कही है कि हमारी गेंदबाजी डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा काम किया है, जो हमने 160 सितर के आसपास केकेआर को रोक पाने में सक्षम हुए। साथ महेंद्र सिंह धोनी ने यह भी कहा कि कहीं ना कहीं जो हमारा कमी रही है वो मिडल ऑर्डर बल्लेबाजों का फ्लॉप साबित होना, उसमें उन्होंने खुद को भी बताया। उसके बाद जब उन्होंने बात करी तो उस पर केदार जाधव और बाकी खिलाड़ियों की स्ट्राइक रोटेट की भी बात करी। अगर आप ज़्यादा गेंद खेलकर कम रन बना रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि केदार जाधव 7 रन तो बनाए हैं लेकिन तकरीबन 11 गेंदों से ज्यादा वो गेंद खेल चुके थे, ऐसे में केदार जाधव के ऊपर सवाल तो उठने लाजमी है, क्योंकि इतनी धीमी पारी और वो भी ऐसे मुकाबले में जहां आपको बहुत ज्यादा जीत की जरूरत है। डीजे ब्राउ पीछे खड़े थे, आप आउट भी हो जाते तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑब्वियसली आप बड़े शॉट हिट करने की कोशिश करें, लेकिन केदार जाधव ऐसा करते नहीं पाए गए। और महेंद्र सिंह धोनी ने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी बात के ऊपर टारगेट किया कि मिडल ऑर्डर बल्लेबाजों का फ्लॉप साबित होना हमारे इस हार का बड़ी वजह रहा है। मिडल ऑर्डर बल्लेबाजों में केदार जाधव भी शामिल है, ऐसे में केदार जाधव की स्ट्राइक रोट नहीं करना भी। उन्होंने लास्ट ओवर तक का जिक्र किया कि लास्ट 5 ओवर में जो बातें सामने निकल के आती है वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित होती है, और स्पेशली लास्ट ओवर में, क्योंकि लास्ट ओवर में 2 बॉल डॉट निकल जाती है तो ऐसे में तकलीफ तो लाएगी ही। रविंद्र जडेजा ने अच्छी कोशिश की, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ऐसे में दोस्तों, CSK अगला मुकाबला 10 तारीख को होने वाला है, तो रेडी रहिए इस मुकाबले के लिए। ये मुकाबले अब CSK के लिए करो या मरो के मुकाबले होने वाले, बड़े ही रोमांचक मुकाबले होने वाले। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का 21वां मुकाबला अबू धाबी के मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। इस महा मुकाबले की शुरुआत तब होती है जब कोलकाता नाइट राइडर के कप्तान दिनेश कार्तिक टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। दोस्तों, इस बार कोलकाता नाइट राइडर ने ओपनर में बदलाव किया है। पिछले 4 मैचों में फ्लॉप हुए ओपनर सुनील नरेन को कोलकाता ने डिमोट किया, उनकी जगह राहुल त्रिपाठी को ओपनर के तौर पर शुभनम गिल के साथ भेजा। लेकिन राहुल त्रिपाठी तो जमे, वहीं शुभनम गिल 11 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर की गेंद पर आउट हो गए। कोलकाता को दूसरा झटका नीतीश राणा के रूप में लगा, जो 9 रन बनाकर कर्म शर्मा के शिकार बने। केकेआर को तीसरा झटका सुनील नरेन के रूप में लगा, नरेन 9 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों, इस बार नरेन को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया। इस डिसीजन से हर कोई हैरान रहा। ऐसे में दोस्तों, टीम को चौथा झटका इयान मॉर्गन के रूप में लगा, जो सैम करन की गेंद पर धोनी के हाथों कैच आउट हो गए। आंद्रे रसल्स 2 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर की गेंद पर MS धोनी के हाथों लपके गए। ऐसे में दोस्तों, मिडल ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ KKR का, क्योंकि अगर आप बात करते हैं यहाँ पे आंद्रे रसल्स की, इयान मॉर्गन की, तो ये मिडल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाते हैं, लेकिन इस मुकाबले में वो खास कमाल नहीं कर पाए। राहुल त्रिपाठी ने 81 रन की शानदार पारी खेली, जिसी के बलबूते पर KKR एक मिडल स्कोर रख पाया है। ब्रावो की गेंद पर राहुल त्रिपाठी शेन वॉटसन के हाथों कैच आउट हो गए। कप्तान दिनेश कार्तिक इस बार फिर फ्लॉप साबित हुए, और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि टीम के कप्तान अभी तक फॉर्म में नहीं है।
दिनेश कार्तिक ने 12 रन बनाए और सैम करन की गेंद पर शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट हो गए। 8वां विकेट नागरकोटी के रूप में गिरा, जो ब्राउ की गेंद पर खाता भी नहीं खोल सके। 9वें विकेट शिवम मावी के रूप में गिरा, ये बिना खाता खोले ब्राउ का शिकार बने। इसमें कोलकाता की टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन बदलाव तो ओपनर में किया गया। सुनील नारायण को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने भेजने के डिसीजन को लेकर हर कोई हैरान रहा। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बदलाव के साथ उतरी। सीएसके ने पीयूष चावला की जगह लेग स्पिनर कर्ण शर्मा को मौका दिया। और इस तरह से दोस्तों टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता ने। राहुल त्रिपाठी के दमदार अर्धशतक के दम पर 20 ओवर में सभी विकेट खोकर 167 रन बनाए। इस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स के सामने जीत के लिए 168 रन का लक्ष्य है। कोलकाता के लिए सुनील नारायण की जगह राहुल त्रिपाठी को शुभनम गिल के साथ पारी की शुरुआत की। दोनों ने टीम की सदी हुई शुरुआत तो दिलाई, लेकिन 37 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की। शार्दुल ठाकुर ने शिवनम गिल को 11 रन पर धोनी के हाथों कैच कराकर चेन्नई को पहली सफलता दिलाई। चेन्नई के कप्तान धोनी ओवरऑल T20 क्रिकेट में 300 छक्के पूरे करने में एक कदम दूर है। ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय होंगे। सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले भारतीयों में रोहित शर्मा 375 छक्के जो कि टॉप पर है। इस लिस्ट में सुरेश रैना ने 3116 लगाए है, तो दूसरे नंबर पर वो काबिज है। इस तरह से क्रिस गेल ने सबसे ज्यादा 9786 लगाए हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। इसमें दोस्तों धोनी पर हर किसी की निगाह रहेगी, क्या वो एक सिक्स लगाकर एक रिकॉर्ड एक इतिहास अपने नाम कर पाते हैं या नहीं। इन्हें सीजन में 5 में से 2 मैच जीते हैं, वहीं कोलकाता ने अब तक 4 में से 2 मैच जीते हैं। दोनों टीमों के पास 4-4 पॉइंट है। कोलकाता चौथे और चेन्नई 5वें नंबर पर है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों टीमों के महंगे खिलाड़ियों के बारे में। तो कोलकाता के सबसे महंगे खिलाड़ी पैट कमिंस हैं, उन्हें सीजन में 15.50 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके बाद सुनील नारायण का नंबर आता है, जिन्हें सीजन के 12.50 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं सीएसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी महंगे खिलाड़ी है, टीम उन्हें एक सीजन में 15 करोड़ रुपए देगी। उनके बाद टीम में केदार जाधव का नाम है, जिन्हें एक सीजन में 7.80 करोड़ रुपए मिलेंगे। इतिहास में कोलकाता ने अब तक 2 बार फाइनल खेला है और दोनों बार चैंपियन रही है। दूसरी ओर धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई ने लगातार 2 बार 2010 में और 2011 में खिताब जीता। पिछली बार ये टीम 2018 में चैंपियन बनी थी। वहीं चेन्नई 5 बार 2008, 12, 13, 15 और 19 में आईपीएल की रनर अप भी रही है। आईपीएल में चेन्नई का सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है, 60.65% सक्सेस के साथ में ये कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ने वाली है। चेन्नई ने अब तक कुल 170 मैच खेले है, जिसमें 102 मैच जीते हैं। वहीं 67 में उसे हार का सामना करना पड़ा है, एक मैच बेनतीजा रहा है। वहीं कोलकाता ने अब तक कुल 182 मैच खेले हैं, जिसमें 94 जीते तो 88 में उसे हार का सामना करना पड़ा। इस तरह से केकेआर का सक्सेस रेट 52.47% है। कोलकाता के कप्तान दिनेश कार्तिक और ऑलराउंडर आंद्रे रसल का फॉर्म में आना टीम के लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन इस मुकाबले में वो फॉर्म में नहीं आ सके। दिनेश कार्तिक भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए तो आंद्रे रसल पूरी तरह फ्लॉप साबित होते हैं।